तारा शर्मा भारतीय फिल्म जगत की एक अभिनेत्री है। तारा शर्मा का पिता प्रताप शर्मा प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता है। तारा शर्मा ने लंदन के महाविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। तारा शर्मा ने विज्ञापन फिल्मों के साथ बिजवर्ल्ड में प्रवेश किया और इनके सुंदर और आकर्षक चेहरे ने लॉरियल एड के जरिए लाखों लोगों का दिल जीत लिया। 2002 में तारा शर्मा की पहली बॉलीवुड फिल्म ओम जय जगदीश रिलीज हुई। यह फिल्म अनुपम खेर ने निर्देशित की। इस फिल्म में तारा शर्मा अभिषेक बच्चन के साथ थी और वाहिद रहमान, फरीदा खान, महिमा चौधरी, उर्मिला मतोड़, अनिल कपूर जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म में बहुत सारे स्टार थे, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकी और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिर तारा शर्मा ने ताबील में प्रदर्शन किया, जो ब्रिटिश पुलिस पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध श्रृंखला है। 2003 में तारा शर्मा ने अनुराग बासु द्वारा निर्देशित फिल्म साया में जॉन एब्राहम के साथ काम किया। तारा शर्मा की अगली कॉमेडी फिल्म मस्ती थी, जो कि तीन दोस्तों विवेक ओबराय और रितेश देशमुख की कहानी है। ये तीनों अपनी पत्नी अमृत राव और तारा शर्मा चिनलेडिया डिसूजा को धोखा देने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म काफ़ी सफल रही थी, लेकिन बड़े स्टार कलाकारों की वजह से इनकी ज़्यादा ख्याति नहीं मिली। तारा शर्मा की अगली थ्रिलर फिल्म थी बर्दाश्ता, जिसमें इन्होंने बॉबी देओल, रितेश देशमुख और राहुल देव के साथ अभिनय किया। मधुर भंडारन द्वारा निर्देशित फिल्म पेश थी में तारा शर्मा ने बहुत अच्छी अभिनय किया, जिसमें इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गायत्री सचदेव की भूमिका के लिए फिल्म उद्योग के दर्शकों ने तारा शर्मा की खूब प्रशंसा की। तारा शर्मा ने दा पेस वेस, अक्सर घोसला का घोसला और अमावास जैसी फिल्मों में अभिनय किया। तारा शर्मा को गार्नियर के विज्ञापन में भी शामिल किया गया। धन्यवाद। जय जय भारत।